हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको स्किन रैशेज के कारण और इसके मुख्य लक्षण बताएंगे। दोस्तों, स्किन रैशेज वैसे तो कई तरह से होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स, रूबेला या पित्ती उठना आदि। आज हम आपको इन्हीं के होने वाले कारण और लक्षण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको चिकन पॉक्स या जिसे हम चेचक कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसे आमतौर पर चेचक कहा जाता है। इसमें पहले छाती और पीठ पर खुजली होती है, फिर लाल लाल दाने या फफोले निकल आते हैं। बुखार और गले में खराश भी इसके लक्षण है। रूबेला, यह वायरल इन्फेक्शन बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। इसमें भी त्वचा पर लाल चकते आते हैं, रूबेला का खसरा भी कहते हैं। गले में खराश, बुखार, सूजन, सिरदर्द और नाक बहना इसके मुख्य लक्षण है। पित्ती उठना, पित्ती अचानक उठती है और ऐसा एलर्जी के कारण होता है। इसमें त्वचा का रंग गुलाबी हो जाता है और आपको सूजन और जलन भी होती है। स्किन रैशेज की शिकायत आमतौर पर गर्मी के महीनों में होती है। गर्मी का मतलब है तेज धूप और खूब पसीना आना। नतीजा, शरीर के हिस्सों में जहाँ जहाँ पसीना होता है, वहाँ वहाँ स्किन रैशेज हो जाती हैं। स्किन रैशेज के मुख्य लक्षण है कि खुजली, जलन और पसीना आने पर होने वाली परेशानी स्किन रैशेज के सामान्य लक्षण है। स्किन रैशेज में त्वचा लाल हो जाती है और इस पर सूजन आ सकती है और जलन भी महसूस होती है। इसके अलावा कई तरह के वायरल इन्फेक्शन की वजह से त्वचा पर लाल लाल दाने, चकते आना भी स्किन रैशेज के ही संकेत हैं। चिकन पॉक्स, मीसल्स, हर्पिस और रूबेला आदि वायरल इन्फेक्शन में स्किन में रैशेज आते हैं। दोस्तों, कई बार त्वचा पर निकल आए रैशेज खान पान, दवा, साबुन या परफ्यूम की एलर्जी से भी हो सकते हैं। एलर्जी की वजह से हुए रैशेज कई बार तो खुद ही गायब हो जाते हैं, पर कई बार इन्हें दूर करने के लिए कुछ कदम उठाने की भी हमें ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको कुछ तरह के स्किन रैशेज के बारे में और उसके लक्षण होने का बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।